अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा है जी? प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। अच्छा, ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड, राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपकी थैंक यू। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर, मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर, एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान, जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है जी, मैं आपको बताता हूँ सर। कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा। वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की, लकड़ी टूटी इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें, 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा जोड़ा, वही काम आता है, आज तक हुआ नहीं है सर बकवास, बेकार चीजें नहीं। नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे नहीं भाई, हाँ चद्दर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं नहीं, ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लेंगे कहीं सर। आप तो एक से एक जगह बता रहे सर, बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई, मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लव लपा चक्कर में। एक सेकंड बोला तूने? नहीं मैं तो बोल रहा था उसकी तरह आप हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप चुप के बात क्यों कर रहे? नहीं नहीं, तू बात सुन पहले, जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच बना कर रहा है? मैं आपको मेरी मर्जी चला, नहीं मुझे सुनना ही नहीं एक बात भी, मेरी मर्जी चला बाथरूम में करो, चद्दर लगाऊ, हवा में करो, कहीं भी करो, ठीक है सर? हवा एक्रोबेटिक, वाओ सर, भाई तू जाके, ठीक है, फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी हमारे पास में। कल समझाएगा तूने, मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम का। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो जी, करण बोल रहे हैं? हाँ जी करण, कल आप नेहा के साथ में डेट पर गए थे वैलेंटाइन डे पर। आप कौन बोल रहे? मैं नेहा का भाई बोल रहा था। हाँ बोलिए। आई जस्ट कॉल टू से समथिंग। देखो हमारी बहन को हमने बड़े नाजों से पाला है, टेडी बियर गिफ्ट करा ना तुमने, ऐसा यार कि इतना चिंदी गंदा छाप टेडी बियर देने की क्या जरूरत है? आप कैसी लैंग्वेज में बात करें? आई नो कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड के भाई हैं, पर व्हाटसोएवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, मतलब आपने टेडी बियर देने से पहले सोचा आपने एक बार भी कि टेडी बियर के पीछे लिखा हुआ मेड इन मंगला हार्ट? गिफ्ट गिफ्ट होता मानता हूँ, लेकिन इतना और इतना चीप किस्म का गिफ्ट भी नहीं होता भाई। हमने बहन को बड़ी नाजों से पाला है भाई, आप नेहा के भाई हो ना, इसलिए मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बचपन में उसको दिक्कत होती थी तो इंडियन हटा करके हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगाया ताकि बैठ के कर सके, इतना ख्याल रखा है हमने हमारी बहन का। हाँ तो ठीक है, आप भाई हैं, मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है ना? मुझे मालूम है कि मुझे कैसे ये तो नकली है। ये देखिए ये टेडी बियर भी नकली है, लोगो भी उचड़ रहा है, लोगो भी उसमें उचड़ रहा है यार। मतलब बाइक वाइक पर घूमते हो, मतलब गिफ्ट देते टाइम में तुमने इतना चिंदी बना कैसे कर दिया भाई? इट्स अ गिफ्ट, होप यू अंडरस्टैंड गिफ्ट क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वो मैंने लेके दे दिया। मुझे हम तो करते हैं, यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है, वो हम तो करते हैं। क्या है ना कि हम गिफ्ट हमारी बहन को मिलते हैं लेकिन खेलते तो हम भाई लोग हैं उससे। देखो भाई मुझे लग नहीं रहा कि तुम नेहा के भाई हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरीके से बात करे। गिफ्ट दिया भी होता तो ऐसा दिया होता कि हम किसी और को दें तो मतलब काम में भी आए। साला ये तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। टेडी बियर में एक आंख देखी उसकी, टेडी बियर की एक आंख दक्षिण में देख रही है तो एक आंख पूरब में देख रही है। आंखें तो सही जगह पे स्टिच कराई होती टेडी बियर की। तुम बोल कौन रहे हो? तुम बोल, नेहा का भाई बोल रहा हूँ। सुनो, और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तू असली में नेहा का भाई है ना, अभी फोन करके बोल देना। और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में भी वैसे ही हुआ, मेरे बहन के साथ में। साला वो आया था बाइक लेके और कल वो सुबह लेकर गया था। साला शुरुआत क्या सुबह का कचौड़ी से। तो अब बोलो, आपने कचौड़ी खिलाई थी मेरी बहन को? कौन बोल रहा है भाई, नाम बोलो। आपको मालूम है नेहा का कचौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है? एक बार उसका पेट खराब होता है, आंखों से देखा है भाई।
खिलाते हुए कचौड़ी। एक बार पेट खराब होता है ना तो नेहा के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है फिर, क्योंकि पूरा घर महक जाता है। अरे मो बोले को कस्तो खालको भनेको अन्त, अहिले सुन पता होइन चिनेको छैन मलाई अन्त, अहिलेसम्म बोले म यत्रो बोले 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 के बोले थाहा छैन अन्त। कौन बोल रहे वालो यार, तुम लोग कब से भुके जा रहे हो, कब से भुके जा रहे हो, अंडरस्टैंड बोले जा रहे हो यार। कौन है मैंने यहाँ को फोन करके? पर्की 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 बिताए ने आले भगर आले भगर टोलम गाछ की तल पर्की। ओके हेलो करण जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैंने यहाँ का भाई नहीं बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टेडी बेयर दिया है? और नेहा ने खुद ही आपका नंबर दिया। हेलो विनय नाम है आपका? कौन? हाँ जी, अभी आप मुंबई से रिसेंटली शिफ्ट किए हो, 15 दिन पहले कोलकाता। जी ऐसा है कि आप गरियार थाने में फटाफट चले आइएगा। अरे सर अभी सुनिए, मैं अभी तो कोलकाता आया हूँ, ऐसे तो मेरी कुछ बात भी नहीं हुई है। देखिए आपके ऊपर में चोरी का इल्जाम है। चोरी का? आपका 2 साल का बच्चा है। हाँ अभी आपके पास में लेटेस्ट एक खिलौना है, एक घोड़ा है आपके पास में जो चाइनीज लैंग्वेज में, वो घोड़ा असल में रॉयल फैमिली का घोड़ा है। सर क्या बात कर रहा हूँ, चोरी का खिलौना है साले। चोरी का खिलौना है सर? बच्चे को चोरी का खिलौना कौन देगा सर? क्या बात कर, तुम्हारे जैसा नलायक बाप देगा और कौन देगा? सर क्या बात कर रहे हो आप, चोरी मैं यहाँ कोलकाता के खिलौना चुराऊंगा? ये दिन आ गए क्या? खिलौना तुमने कलकत्ते में आगे नहीं चुराया, तुम मुंबई से चुरा करके लाए हो। ये रॉयल फैमिली सैफ अली खान के बेटे तैमूर का खिलौना है, टेलीविजन में रिपोर्ट आ रही थी जिसकी। मेरी बात सुनिए, सैफ अली खान की बहन का घोड़ा था वो। मैंने किसी का घोड़ा नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊंगा किसी का घोड़ा? एक मिनट रुकिए, विक्टिम के बाप से बात कीजिए। मैंने कुछ करा ही नहीं, विक्टिम का बाप आपने तो मुझे चोर बना। होल्ड पे रहिए। सर वो लाइन पे है सर, वो चोर। हेलो हेलो, दिस इज सैफ अली खान। सैफ अली खान, करीना का हस्बैंड। अरे देखिए, तुमने मांगा होता मेरी बहन का घोड़ा मैं तुम्हें ऐसे दे देता यार, लेकिन चोरी करने। अरे सर मेरी बात सुनिए, आपकी बहन का घोड़ा हो चाहे आपकी वाइफ का घोड़ा हो, मुझे मैंने नहीं चुराया कुछ भी, किसी का भी घोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कुणाल खिलौने निकाल के यहाँ से बाहर ले जाके बेच देता होगा और तुमने वही खिलौना खरीदा है, यानी कि तुम चोर हो यार। चोर नहीं हूँ मैं, कुणाल से क्यों खिलौना खरीदूंगा सर? क्या बात कर रहे हो यार आप? मैंने लिसन, व्हाट डू यू थिंक दैट आई एम गोना बिलीव व्हाट यू से? यार तुम एक नंबर के झूठे मक्का किस्म के इंसान है। मेरी बात सुनिए आप, एक तो मैं एक्टिव तमीज से आपसे अभी तक बात कर रहा था, ठीक है? अब आप गाली गलौज को उतर रहे हैं ना, तो फिर मैं भी गाली गलौज को उतर के फिर आपसे वैसी बात करूंगा। इतने बड़े को बड़े स्टार भी नहीं हो आप। तेरी शक्ल देखी है? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? साले तेरी मूवी देखी है तूने, तारा रम बम पम और क्या क्या करता है तू? एक मूवी तेरी चलती नहीं है ढंग से और उसके ऊपर तू बाग बार वो शेफ से बनाई थी तूने, उसका क्या हुआ? बहन का घोड़ा है मेरी बात। अब तो अपनी अपनी जो तेरा खोया है ना खिलौना, खुद ढूंढने जाके तुझे वैसी मूवीज तो मिलती नहीं है और कुछ काम है नहीं तुझे। लिसन यू आर टॉकिंग टू अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली प्लीज। तेरी रॉयल फैमिली भी देखी है मैंने, सुन तेरा कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है? बस तू पैदा हो गया वहाँ पर, कुछ ज्यादा ना उछल मारा। यार अब तो रुक जाओ यार, जा करीना के साथ खिलौना ढूंढो जाके। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे हैं। वेलकम टू कोलकाता। सर आप हेलो जी, आप राघव जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपने प्रिया प्रकाश वैरियर का वीडियो शेयर किया था ना? जी जी। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, वैसे ही प्रिया प्रकाश वैरियर का पहला मीम बनाने वाले आप थे। अच्छा? ऐसा है कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, सो आपसे प्रिया प्रकाश वैरियर आज के दिन मिलना चाहती है, बिकॉज यू आर द होल एंड सोल रीजन जिनके कारण उनके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और घर के बाहर चारों जगह फॉलोअर्स बढ़ गए। आप प्रिया से मिलना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहूंगा, ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप हो जाएगा। क्या ये तो मतलब ड्रीम टू कम ट्रू टाइप हो जाएगा? हाँ मतलब देखिए आपकी अंग्रेजी भी अभी लड़खड़ा रही है, मतलब जैसे लड़की से मिलने की बात आई। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उनका जो गाना था ना वो एक बार हमको गा के सुना सकते? कौन सा गाना था वो तो मलयालम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, वो सुन करके आप मुझे जरा बताइए कि ये गाने में क्या बोला गया। श्रुति मधुरम मधि मधुरम मधि गा दीदी बा दीदी दुम गा दीदी धूम दीदी दम ऐसे ही था। आप बहुत गरीब थे। अभी क्या है कि प्रिया प्रकाश वैरियर के जो भाई है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको
बनाया जा रहा है, लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए। भाई से बात कीजिए। इन द नेक्स्ट यू नेम राघव। राघव निने करे पे एवडे उंडे इल्ला तू नागल ना। राघव ये दन मलयालम ये पूछ रहा, आपको मलयालम नहीं आती है? नहीं मलयालम नहीं आती है। माय सिस्टर इज सो हैप्पी, हाउ विल यू टॉक टू हर व्हेन यू मीट हर, व्हाट विल यू टॉक? माय सिस्टर लाइक्स डोसा, विल यू मेक अ डोसा फॉर हर? एनीथिंग 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 एनीथिंग। जलीगड्डू यू नो जलीगड्डू? क्या मेरे समझ रही चल क्या रहा है क्या क्या? देखिए मैं आपको बताऊं कि आपके लहजे से बातचीत से उनका भाई बहुत इम्प्रेस हुआ है। आप डायरेक्ट प्रिया प्रकाश वैरियर से बात कीजिए। हेलो हेलो, बात कीजिए। मैंने तुम्हारा तस्वीर देखा था फेसबुक में, तुम काफी हैंडसम हो। ये प्रिया प्रकाश है? नहीं ये प्रकाश है, प्रिया रात को बनती है। तुम्हारा नाम राघव मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार वो आंख मार के दे दो इनको। आंख नहीं, मैं तुम्हारे फोन कर रहा था तू। जितना बोला था आंख मारता मैं। हाँ देखिए अभी उन्होंने आंख मारी आपको, कैसी लगी आपको? आंख नहीं गाले, मैं क्या क्या मार दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। प्रिया ये गाली दे रहा है प्रिया। कहां से बात कर रहा तुम बता दो भाई यार। आप बहुत आगे तक पहुंचे, स्वागत है आपका आखिरी राउंड में। कार नहीं निंजा रेड एफएम है ना? अरे रेड एफएम से बोल रहे थे, मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। राघव राघव मैं प्रकाश। Hello? जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा, बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना। हाँ हाँ। जी उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे, तो लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम? एक तो जानते लैंग्वेज मत जाइए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर भाई क्या पागल पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में है छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको अच्छा, बोले रहे भाई तुम्हारा। हाँ अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया, हम लोग का तो क्या ना बंदूक बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं ठीक है, हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, एक कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना, उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब, हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दवाद। देखिए शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, दो टू किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। ए किडनैपिंग करवाने का इंतजाम करो ना, जीजाजी की शादी होगा, दीदी की शादी होगी। फोन रखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दिया ले, बात करो बेटा। विवेक जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ देखिए मेरे को जी? आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने, नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ मैं ये सब पढ़ता ही नहीं, ब्रह्मचारी हूँ ब्रह्मचारी समझे। विवेक जी हमारी बहन एकदम मर्दाना है, हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते हैं। भैया इसको मनाओ ना भैया, इसको मनाएंगे। अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे, कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? सारा तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन वैसे ही है, तो चौराहे पर खड़ी कर लो ना, ले जाओ डेट पर, ले जाओ पूरे म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, मत जाना, मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी यू ब्रोक माय हार्ट। हेलो जी, विनीता जी बोल रही हैं। हाँ जी विनीता बोल रही हूँ। जी विनीता जी आप मास्टर शेफ फॉलो करती हैं? जी हाँ बिल्कुल करती हूँ। हाँ जी, तो हम लोग उसी प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, उसी सीरियल के। हमने आपके गाजर के हलवे की बहुत तारीफ सुनी है। शुक्रिया बहुत। सो क्या आप बता सकती हैं कि ये गाजर का हलवा आप कैसे बनाती हैं, अगर आपके पास में एक मिनट का वक्त हो तो? सबसे पहले तो आप गाजर का कद्दूकस कर लीजिए और उसे अलग साइड पे रख दीजिए। लिख रही हो ना? हेलो हाँ जी बताइए। नहीं वो मैं लिखवा रहा था टीम को। हाँ अच्छा ठीक, कद्दूकस कर लिया उसके बाद?
हाँ, उसके बाद में पैन को आप गरम कर लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। पैंट क्यों गरम करेंगे? पैंट नहीं कहा मैंने, पैन कहा जिसमें आप गाजर का हलवा बनाएंगे। समझिए ना, मेरा पैंट गरम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन गरम करना है, ठीक है? हाँ। उसमें घी डालिएगा, कद्दूकस किया हुआ गाजर है उसको उस पर डाल करके थोड़ी देर, दो तीन मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जी छोड़ देंगे, मतलब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है कि छोड़ देंगे? मजाक कर रहे, हमारी आदत है। आगे बताइए आप। उसके बाद में नोट डाउन कर लिया ना तुमने पूरा तरीका? तो एक काम करना, इस तरीके से तो कभी मत बनाना, बहुत ही गंदा वाया थर्ड क्लास चीप तरीका है। जी जी, आप बोल क्या रहे हैं? आप जो गाजर का हलवा बनाती है ना, हाँ जी, बहुत ही रद्दी टेस्ट करता है, इसीलिए नहीं, तरीका पूछ लेने के लिए। इस तरीके से तो हम कभी नहीं बनवाएंगे। आपको पता भी है आप लड़की से किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हूँ, आपको पता नहीं, पूरा मोहल्ला खाता है, सारे लोग पागल है, दीवाने हैं मेरे गाजर के हलवे के, और आप इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? आपके गाजर के हलवे को खाने के बाद में शहर के कुछ लोगों में क्या फैल गया है? हैजा। हैजा वैजा कुछ नहीं होता, समझ में? देखिए, हैजा का पेशेंट हमारे साथ में बैठा है यहाँ पे, उसका गाजर खराब होगा इसीलिए उसे हैजा हुआ होगा। उसका गाजर खराब नहीं है, उसके चार बच्चे हैं। हाँ मैडम, हमको हुआ है, हमको क्या हुआ? बड़ी जोर से हैजा हुआ है, हैजा हमको, तो हम उठ भी नहीं पा रहे। जहाँ से गाजर लिया है ना, वो गाजर जाके चेक करो, आप ही का गाजर था। पगला पगला कोला मने को मैं, मेरे नाम पगला है ना, मेरे नाम मुँह बोले को। आपका हलवा भी तो मक्खी भी ना बैठे, हम बोल दे रहे अभी से। तूने कब खाया मेरे हाथ का बना हुआ गाजर का? आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी भी खा नहीं पाए तो उन्होंने इनको टरका दिया, भाईचुंग को, भाईचुंग ने खाया, भाईचुंग को क्या हो गया? कहाँ बोलो हगनु कौन बोलो पात नु बरस मलाई ने तो कुछ दिन ये अच्छा कुछ आ रही बेरा से मलाई मेरे दावे को फिर दीजिए मलाई पाचाए चाहे मलाई भान दीजिए मेरे बिल को अति निकले कुछ। शांति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या प्रवीण, तुम नाम सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया करो यार, मेरे गाजर गाजर की बुराई में सुन ही नहीं सकती। तुमने इस तरह ले गाजर पकाऊं जी, ला मैं झोला पर नहीं ले रहा हूँ। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकल्स बताइए। बेटा कितनी पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस बेटा, कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयां डिलीवर करते हो? हाँ हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होंठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो। आपको दवाई कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है? फटने की दवाई चाहिए। होट फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ, सुई धागा ले, हाँ, छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा, मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूंगा? मैं यहाँ टाके भी लगा लेता हूँ, मैं तेरे को लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ, तू बता कितने टाके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा, खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जाए, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा, रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे, अगर नाक में जैसे ठंड लगती है वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर, हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे बेटा, इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों के मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ तक पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाट पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले सच बोल के तू बता क्या गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे, देखो अभी भी कुछ जाना है इतनी जलालत के बाद। C6H12O6, C4H10, C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन में फेल साले बीकर थी शक्ल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या क्या मैंने तो पूछा सर्दी में होंठ फटते, गर्मी में क्या फटते, आपने खुद ही बताया वो फटते।
हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सलोन में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना, आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सलोन में? नहीं कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने, पॉकेट वगैरह सब चेक कर लिया आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या छूटा है? आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे, अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुए निकली है। हो तुम कौन? सलोन वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, दो दिन हो गए सलोन से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सलोन के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप के क्यों जा रहे थे? ये जो जुए आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई है। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं, हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बनाते मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे तीन क्रीम के डब्बे खा गई है उन जुओं की। एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, तेरा मालिक है ये? मैं बोल रही हूँ चिटो की बोलते नहीं बोल कौन मुझे तो छोड़ के चली गई। आप पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। कौन बोल रहा है मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसका खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और आपका मुर्गा। अरे यार करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, सुई से बात कर रहा था। अरे काम मर गया भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी। अरे सर भूखा मारते तुमने यार, सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, भाई डेढ़ घंटा हो गया पागल बना रखा है, फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। क्या इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर? यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। मेरी गलती है इसमें, क्यों खोल के बैठे होते हैं बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे, चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई डेढ़ घंटे से पहले वेट कर रहा हूँ तो काट रहा यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं तोड़ दूं वहाँ पे आके, दिल तो ऐसा कर रहा है सर, यहीं की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है। भाई तू अकेला जल्दी भेजा दे मेरे को, नहीं पता तू एक अकेला काम करे तो काम करे, मेरे को रोटी से मतलब भूखा मार दे तुमने साड़ो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात नहीं है। क्या समस्या? तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया। हेलो हेलो, कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा हूँ सर। कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना? क्या बनती है? सर कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखे, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे, मोशंस हड्डियां लगी हैं तेरे को। इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास दो मिनट में पहुँच रहा हूँ। रास्ते में मैं पेपर सोप से हाथ धोलूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। हाँ रोटी को बिल्कुल भी तो साड़ो, कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से तू चट्टी वाला खाना खिला दे मेरे को। साड़े सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई नहीं मर जाता है जी। जतिन जी हेलो हैंजी, एकदम से भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई।
किसने बजवाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार। हेलो श्वेता मैडम बोल रही है क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहे हैं, मैं धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन में, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कल इस पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो झूठ तो बोल लो मत, देखो आप आपको मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्लेश हुआ था, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने, ठीक है? मैं उस टाइम तो खून का घूट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना, ऐसी सब मतलब मुंह उठा के आप कहीं भी चल मतलब चले गए। मैडम देखो आप दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी घुमा ले ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ मतलब क्या आप? कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गया हुआ है टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए? मैं धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने HR हो के आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, सॉरी। यार ये क्या कर रहे हो हवा में, क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली? यार एक चलाई थी बस। यार दो चलवा दी तूने यार, बस अपनी चलाएंगे। बंद कर दे, बंद कर दे। हेलो ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं भाई, लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, ठीक है? मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग HR, कुछ लड़ाई हो जाए तो। क्या HR है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना। नहीं बुरा लग गया तो बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक रखी थी? मैंने कहा था श्वेता जी एक सेकंड सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। पहले मजाक हो रहा था? हाँ पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इनसेन यार, यू गाइस आर मैड। हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था, आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना अनिरुद्ध। आप पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। आप बजाते? बेटे जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे? एक दो मिनट, जिप खोल के रख रहा तू, जिप खोल के रख। हेलो आप क्यों बजाऊ यार? बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे करवाने लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो। यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज नहीं करे किसी चीज का? अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊंगे अपनी बीवी के? आधे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं, सुन मेरी बात, जिप खोल के रख तू, पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो ओम शांति ओम, ठीक है अब मेरी बात सुन। मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिया। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मुद देता है, तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मुद देगा। नहीं बजाऊंगा, प्लीज बजा दे बेटे, बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूँ आपकी? है गाली बक देगा? दादू देख मेरा पोता क्या कह रहा है, दादू को कुछ दे दियो, दादू को कुछ दे दियो। क्या मतलब है, क्या रखे यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे, कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। आपने अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा दे, भैया आप निकलवा देते हो? अरे मैं इस गिटार से शिकायत कर दूंगा। तू छोड़ दे सौरभ, तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं।
क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? हेलो, हम कंट्री मोनी से बोल रहे थे। हाँ बोलिए। आपने अपना प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर करवाया था ना? हाँ। राइट, सो दादा एक प्रोफाइल है, लड़की बहुत खूबसूरत है और वो आपसे बात करना चाहती थी, एंड लड़की की बस एक ही कंडीशन है कि वो शादी के बाद में भी पढ़ना चाहती है, अभी भी पढ़ाई कर रही है। भैया पहले मुझे तो देख लेने दो एक बार। हाँ वो आप देख लीजिएगा, लेकिन एक बार बात भी कर लीजिएगा। और लड़की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब कि अभी वो आपके सामने बैठी है क्या? जी हमारे साथ ही है वो, और लड़की जो है वो तंत्र विद्या में पढ़ाई कर रही है। किसमें? तंत्र विद्या। वो क्या होता है? वो आपको खुद बताएंगी, मैं उनको लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। अरे नहीं आप... भैया सुनो सुनो, हेलो हेलो, सुनिए सर एक मिनट सर, आप उनसे बात कीजिए डायरेक्टली। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई वाज जस्ट वंडरिंग व्हाट यू वांट टू गो। आमी पढ़ाशुना करी, आमी तंत्र विद्या निये पढ़ी। बट आमी एकदम सुनिनि कोनोदिन तंत्र विद्या पढ़ा, মানে বুঝলাম না। তন্ত্রবিদ্যা হচ্ছে ভূত প্রেত নিয়ে পড়া। আচ্ছা পেতনি ভূত আত্মা এগুলো আছে না সেগুলো? আচ্ছা আমরা হানিমুনে কোথায় যাবো? আচ্ছা আই হ্যাভ এ নাইস প্ল্যান, তো বোলপুরে একটা ভূত বাংলো একটা রাজবাড়ি আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আমরা সেখানে। আরে ম্যাডাম আপনি বিয়ে অব্দি কোথায় চলে যাচ্ছেন? দাঁড়া নাকি আগে তো আমি জেনে নি আপনি মানে বিয়ের পরই ভূত টুত নিয়ে পড়েছেন? খুব মজা হবে। না না মানে ওটা আমার এমনিতেও ভূতে খুব ভীষণ ভয়, এসব ছাড়ুন। আপনি আমি তো আছি। আরে দরকার নেই, আপনার সাথে ওই যে দাদা ছিল উনি কোথায়? দাদা এক মিনিট দাদা, আপ ইনকো না তো বলিয়েগাই মত, ক্যোকি জিনোনে না বোলা থা না ইনকো वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है, जरा आप उनसे बात कीजिए। तो उस साथ ही बीर दिन ना क्या ना हमारे पीछे ने पड़ रहे थे। दादा 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 आपने तो समझे ना आपने क्या आपने ना 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 तो कोड़ भी नहीं ना आपने चाहिए होगा ना है। अरे आपने आपने के हेलो दादा आपने बुझते बच्चे ना आमे पूरे छोभी हुए गए ची आमे ना बोले आपने आपने भापते बच्चे ना आपने चाहिए होगा ना आगे आपने हैटा बोले दिन दादा ये रकम कोड़ भी ना आपने कच्चे दिखते हैं भालो मानुष कहने रंग कुछ ना बोल भी नहीं ना जेखने बोलते चले जाए कोथे हानिमुन नहीं जाए बोलते देखने चान जान प्लीज ना বলবেন না খালি না বলবেন না। ম্যাট্রিমনি সাইটে ওই দাদা কোথায় গেলেন? আমাকে ফোন দিন। হ্যাঁ দাদা বলুন। এসব কি হচ্ছে? আমি তো বুঝতে পারছি না, কিছু পাগল হয়ে গেছেন আপনারা নাকি? না দাদা আমরা পাগল হয়ে যাইনি, মেয়েটা কিন্তু আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। ওইসব প্রেমে টেমে ছাড়ুন, আমার ওইসব জেনে দাব দিই, আমি বিয়ে করতে চাই না। দাদা আপনি গালাগাল দিচ্ছেন, ওনার গালাগাল একদম পছন্দ না কিন্তু। আমার জানার দরকার নেই, আমি আমি চাই না বিয়ে টিয়ে করতে, আমি রাখছি ফোন। দাদা শুনুন, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যালো হ্যালো, রাখলেন কেন? ফোনটা কাটলেন কেন? আরে কে আপনি? বুঝতে পারছো না কে? না আমি এতবার বললাম আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করতে চাই, তুমি ফোনটা রেখে দিলে। দল এখানে এসে জুটেছে, আমি তোমাকে ছাড়বো না, ছাড়বো না তোমাকে। তুই আরে অদ্ভুত সমস্যা। দাদা মেয়েটি কিন্তু পাগল হয়ে গেছে দাদা, মেয়েটা তোমায় ছাড়বে না দাদা। দাদা মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে দাদা, মেয়েটি আপনাকে নিয়ে যাবে দাদা, বোলপুর নিয়ে যাবে। হ্যাঁ দাদা আমি তো প্রত্যেকদিন বসে। না না দাদা আমার ভয় করে না, কারণ আমি তো 9 বছর আগেই মারা গেছি। 9 বছর আগে ওকে। হ্যালো 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 দাদা, দাদা মে আপকো বাতাউ আবি হস রা হু উসকে পিছে কারণ হ্যায় দাদা, মে আরজে প্রবীণ বোল রা হু রেড এফএম 93.5 সে, অর স্টুডিও মে হামারে সাথ মে ফির আমা তো হসপিটালে চলে আমা। হাই দিস ইজ এনা, হাই দিস ইজ আরিয়ান, হ্যালো দিস ইজ শোমেন্দ্র, হাই আর দাদা মে মতলব 11 রুপে কা প্রসাদ চড়াউ আগে আপকি শাদি ভি হো জায়ে। Thank you. All right, whoa. Bajate raho, bajate raho. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।